हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पढ़ा बहुत ज़्यादा है, सिलेबस भी कंप्लीट है, लेकिन मॉक्स में मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहे, कट ऑफ तो बहुत दूर की बात है। तो पर्सनली मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैसेज करके बता दूँ, लेकिन सबको मैसेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के आप सबका जो डर है उसे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे, एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, उन दोनों चीज़ों को मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है वाई मॉक। मॉक असल में देते क्यों हैं आप, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो देते हो, वो देते क्यों हो और कब देना चाहिए। देखिए मॉक कब देना चाहिए, जब आपने प्रिपेयर कर लिया है, आपने सिलेबस जितना आपको करना था आपने कर लिया है, उसके बाद आप मॉक देते हैं आप चेक करने के लिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो सही है या नहीं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है मॉक का, वो होता है कि चेक करना अपने परफॉर्मेंस को, अपनी प्रिपरेशन लेवल को। और वो चेक कैसे करते हैं, आप मॉक देने के बाद अपनी एफिशिएंसी देखते हो, अपनी एक्यूरेसी देखते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है नेगेटिव मार्किंग देखते हो आप अपनी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में, आप अपना नेगेटिव मार्किंग देखते हो, नेगेटिव स्कोर देखते हो। अब देखिए नेगेटिव स्कोर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि कहीं आप ओवर अटेम्प्ट तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, और एक होता है मार्क्स कम आने का कि कहीं आप अंडर अटेम्प्ट तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं फिर मॉक के साथ, ठीक। और मॉक के बाद क्या होता है, देखिए मॉक का जनरली लोग यूज़ करते हैं खुद के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए कि किस टॉपिक में आप वीक हो, किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो। तो ये एनालिसिस करने का टाइम तो अभी नहीं है आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि टाइम बहुत कम हो बचा है। अगर आप ये करने जा रहे हो अभी तो आप बहुत पीछे हो जाओगे रेस में, तो आपको अभी एनालाइज नहीं करना है, ठीक है। दो चीज़ें करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इफेक्टिव होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। आपको मॉक लगाना है, और मॉक लगाने के बाद आपको चेक करना है अपने नेगेटिव मार्किंग। अगर आप ओवर अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको चेक करना है कि आप कैसे एक्यूरेट अटैम्प्ट करके आते हो, एक डिसेंट अटैम्प्ट करके आते हो जिससे आप एज अ क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है, इंटरव्यू के लिए कम से कम। अगर आप अंडर अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन थे जो आप अटैम्प्ट कर सकते थे उसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ें सीखनी है। और एक चीज़ है जो बहुत कम स्टूडेंट करते हैं मॉक के साथ, मॉक देते हैं क्वेश्चन पेपर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, मॉक देते हैं और साइड कर देते हैं। देखिए कोशिश कीजिए कि आप मॉक पेपर को, जो टेस्ट पेपर आप दे रहे हो, उसे एक बार रिवाइज कीजिए। एक बार कम से कम मॉक देने के बाद, एक दिन बाद सही, लेकिन एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए उस क्वेश्चंस को। तो कुछ चीज़ें होती हैं जनरली, जैसे कि मैं बताऊंगा आगे क्यों आपको रिवाइज करना चाहिए। इसके बाद जो मेरा सेकंड पॉइंट है, एज अ टीचर जो मैंने फेस किया, मैंने किया भी है खुद, वो है कि देखिए मॉक टेस्ट का या टेस्ट सीरीज का कोई रिलेशन नहीं होता है आपके रियल एग्ज़ाम से। जी हाँ, आपके रियल एग्ज़ाम से मॉक टेस्ट का कोई रिलेशन नहीं होता है। मॉक टेस्ट जैसे जनरली मैंने बताया आपको, ये एनालाइज करने के लिए होता है कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ ठीक हो, ठीक है, एफिशिएंसी चेक करने के लिए, टाइम पे पेपर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये सब चीज़ देखने के लिए मॉक टेस्ट देते हैं। लेकिन कहीं से भी कोई लिंक नहीं होता है कि जो क्वेश्चन मॉक में आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, वैसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या कोई स्टूडेंट है जो मॉक में टॉप कर रहा है, ठीक है, अंडर 10, 20, 100 भी आ रहा है, तो कोई चांस नहीं है जनरली कि वो उसका रिजल्ट भी हो जाए, ठीक है। या जिसके मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो फेल हो रहा है, उसका भी रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो मॉक का कोई रिलेशन नहीं होता मेरे हिसाब से। इसका रीज़न क्या है, देखिए जब मैं भी काम करता था ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह में, तो जनरली जब हम क्वेश्चन सेट करते थे तो क्वेश्चन का लेवल हमारा टारगेट होता था कि हम उसको टफ रखें, हार्ड रखें। रीज़न क्या होता है कि जब आप हार्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो होता क्या है कि आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हो उस इंस्टीट्यूट की तरफ जहां से आप टेस्ट दे रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, ताकि आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लो, उनके क्लासेस को ज्वाइन कर लो। ये मेन मोटिव होता है टेस्ट सीरीज का, ठीक है। इसलिए देखा जाता है कि टेस्ट सीरीज जनरली आपको फ्री भी मिल जाते हैं, सस्ते प्राइस पर मिल जाते हैं। रीज़न यही होता है कि 100 रुपये में आपको टेस्ट दे के आप 10,000 में आपको कोर्स बेच सके वो, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड सेट किए जाते हैं, इरिलीवेंट सेट किए जाते हैं, मैं यहाँ पे ये कहूँगा, जिसका जनरली कोई लिंक नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं आपके सिलेबस से, आपके एग्जाम से कोई लिंक नहीं होगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं।
तो इस चीज़ से आपको डरना नहीं है मॉक टेस्ट देके, मॉक टेस्ट से बिल्कुल डरना नहीं है, ये इससे डरने वाली बात है भी नहीं। आपको जैसे मैंने बताया कोई लिंक नहीं होता तो नहीं होता। देखिए मॉक टेस्ट का आपको फ़ायदा कैसे उठाना है, मॉक टेस्ट का आपको फ़ायदा ऐसे उठाना है कि आपने मॉक दिया, देने के बाद आप सब ने, अगर अभी 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने 2016 का, उससे पहले का क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा, एनालाइज़ किया होगा, ये सब ने किया होगा, तो आप खुद भी जज कर सकते हो। किसी भी मॉक टेस्ट देते हो, किसी भी कोचिंग का, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप खुद भी जज कर सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल है वो सही है, या जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, ये जज करने के बाद आप पाओगे कि अगर 120 क्वेश्चन है तो 30, 35 या 30 क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसे होंगे जो बहुत इजी लगे होंगे आपको, है ना। इजी हो या ना हो अलग बात है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सीरियसली रिवाइज नहीं करना है, ना ही उसको देखना है, उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, अटैम्प्ट देने के बाद मैं ये कह रहा हूँ, अटैम्प्ट करते समय नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम लग जाता है एक पेपर को सॉल्व करने में। आप 2 घंटे सॉल्व करते हो, अगर आप फेक देते हो, साइड कर देते हो तो वो तो अलग बात है, अगर आप एनालाइज सच में करते हो, आप वो स्टूडेंट हो जो आप बाद में क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हो, सॉल्व रीड करते हो, तो आपके मैं बता रहा हूँ मिनिमम 2-3 घंटे और लगेंगे। ठीक है, तो 5 घंटे तो लगेंगे लगेंगे, जब 5 घंटे लगते हैं तो बाकी बचता है आपके पास मुश्किल से 5 घंटे और, क्योंकि 10-11 घंटे ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो पाती है। तो 5-10 घंटे बचेंगे, उसमें आप कितना रिवाइज करोगे, क्योंकि ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन नहीं कर रहे हो तो मॉक का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे मैंने कहा कि 30 के अराउंड ऐसे क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी ज़्यादा ईजी लगते होंगे आपको, तो मॉक देने के बाद उस क्वेश्चन को आप साइड कर दो, उस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आप खुद जब एनालाइज करोगे, खुद जब आप जज करोगे एक एक क्वेश्चन को, तो आप पाओगे कि 15-20 क्वेश्चन तो ई रिलीवेंट है, कोई लिंक नहीं है आपके सिलेबस से या टॉपिक से, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है या तो बहुत ज़्यादा डीप है, तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी जज कर सकते हो, वो क्वेश्चन नहीं होते इंपॉर्टेंट, उसको आपको हटा देना। ठीक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मॉक से आपको फिल्टर करना है, वो होते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको फिल्टर करने हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से लिंक है, आपसे नहीं बन रहा था, ठीक है, आप जानते हो कि ये क्वेश्चन अच्छा है, उस क्वेश्चन को फिल्टर करोगे तो पाओगे कि 120 में से 50-60 क्वेश्चन, ठीक है, अराउंड इतने ही क्वेश्चन होंगे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो आपको काम के क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को ही आपको एक बार अच्छे से थोरोली रीड करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। तो टेस्ट पेपर का, मॉक का आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेस्ट दिया, डिमोरलाइज हो गए और क्वेश्चन पेपर फेंक दिया, ये काम नहीं करना है आपको। ठीक, और जो इम्पॉर्टेंट है अब, क्योंकि अब सिर्फ 8 से 9 दिन बचे हैं, और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अपने डेली शेड्यूल को ठीक करना। जी हाँ, अपने डेली शेड्यूल को, रूटीन को आपको ठीक करना पड़ेगा। जनरली हम सब जानते हैं कि सुबह की स्टडी इफेक्टिव होती है, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, पढ़ते हैं, तो आप ज़्यादा देर भी पढ़ सकते हो और वो याद भी रहता है। लेकिन ये बात भी सच है, मैक्सिमम स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो रात को ही पढ़ते हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक पढ़ते हैं, हकीकत है ये। ठीक है, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो होता क्या है ना कि जब आप लेट उठते हो, आपका एग्ज़ाम देखिए कब है, 10 बजे से आप उठ ही रहे हो 9 बजे, ठीक है, 10 बजे उठ रहे हो, तो आपका दिमाग भी 10 बजे ही उठता है, वो एक्टिव नहीं हो पाता है दिमाग। ठीक है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे खुद को फ्रेश रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए आपको रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी, मतलब नींद पूरी करके उठना है, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पे 10 से 12 का जो टाइम है उस टाइम पे आप फ्रेश रहो, एक्टिव रहो, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करके, समझ के सॉल्व कर सको। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने किया भी होगा, जिन्होंने शाम में टेस्ट दिया होगा, रात को टेस्ट दिया होगा, वो एक बार ज़रूर सुबह में 10-11-10 बजे के आसपास टेस्ट देना, आप देखोगे कितना आपके क्वेश्चन में अंतर आएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप रात को पढ़ रहे हो, रात को टेस्ट दे रहे हो, तो आप शर्त लगा के मैं कह सकता हूँ, अगर 10 से 12 के बीच में टेस्ट दोगे, आप 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप गलत करोगे, क्योंकि आप उस टाइम आप नींद में रहोगे, आप फ्रेश नहीं रहोगे। और जो स्टूडेंट अब अपना रूटीन ठीक कर लेगा, उसका भी यही चांस है कि 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आप
अच्छे से उसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो आपको बस यही करना है कि अपनी डेली शेड्यूल को अब ठीक कर लेना है, बहुत कम टाइम है तो उसको आप परफेक्ट कर लो। और ट्राई करो कि ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर देना, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले एक या दो ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर देना। अगर ऑफलाइन नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन टेस्ट को ऑफलाइन के फॉर्मेट में देना, जैसे कि आप अगर ऑनलाइन ले रहे हो फ़ोन पे लैपटॉप पे, तो आप जो OMR शीट आती है वो ले लो, मार्क कर लो, या खुद से आप गोले करो हर एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इससे आप अपनी रियल एक्यूरेसी निकाल सकते हो। क्योंकि होता क्या है ना, ऑनलाइन टेस्ट में आपके पास क्वेश्चन भी होता है, सामने आंसर भी होता है, टाइमर भी सामने में लिखा होता है, और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक क्लिक पे जान लेते हो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने अनअटेम्प्ट किए हैं, कितने स्किप किए हैं। तो ये चीज़ ना आप ऑफलाइन में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं, काउंट करना पड़ता है फिंगर से कि आपने कितने अभी तक कर लिए हैं, कितने आपको और रिस्क लेना है, तुक्के लगाने हैं नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी अब हो सकता है आप एक से दो टेस्ट ऑफलाइन दो, या नहीं दे पा रहे हो तो ऑफलाइन फॉर्मेट की तरह घर में खुद से दो, ताकि आप अपना रियल एक्यूरेसी निकाल सको, एफिशिएंसी निकाल सको, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और सबसे अभी जो इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बनता है मेरे लिए बोलना, क्योंकि जो मुझे मैसेजेस में लगे हैं, जो फील हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट जो है डरे हुए हैं। ठीक है, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी स्टूडेंट हैं उनके मैसेज से मुझे ऐसा लगा, जिनके भी मैंने मैसेज पढ़े हैं, कि काफ़ी डरे हुए हैं। यही कहना है कि सिलेबस बहुत कंप्लीट है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, डिमोरलाइज हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, टेस्ट मॉक के मार्क्स मतलब नहीं रखते हैं, मॉक के क्वेश्चन हार्ड या इरिलीवेंट बनाए जाते हैं, ताकि आप उनके टेस्ट पेपर लो, उनके कोर्स ज्वाइन करो। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ बोलूँगा, अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको डर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये जनरली सब बोलते हैं ना कि टॉपर भी डरता है, जो पढ़ता है नहीं पढ़ता सबको डर लगता है, तो दोस्त सबको डर नहीं लगता है। अगर आपने पढ़ा है, आपने मेहनत की है पीछे, तो अब एग्ज़ाम टाइम में आपको डर लगेगा, और डर लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने मेहनत की। बस आपको क्या करना है, डर पे कंट्रोल करना है। ठीक है, और जिनको डर नहीं, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनको डर क्या लगेगा, जिन्होंने 2 महीने 4 महीने या पीछे से नहीं पढ़ा, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ 2-4 सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं है, उनको डर नहीं लगने वाला एग्ज़ाम में, क्योंकि उनको पता है कि मेरा रिजल्ट होने नहीं वाला है यहाँ पे, वो बस एग्ज़ाम देने जाएंगे, बस इतना ही है। आपको डर लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ा, और आप बस आपको ये करना है कि आपको अपने डर पे कंट्रोल करना है, काबू करना है। वो काबू कैसे करोगे, टेस्ट जो दे रहे हो उसके मार्क्स को ज़्यादा ध्यान मत दो, टेस्ट पेपर को ज़रूर रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने कहा करंट अफेयर वगैरह, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे मैंने कहा 50-60 क्वेश्चन होते हैं अच्छे, तो उन क्वेश्चन को आप रिकॉल करो, याद करो, ये ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। डरना नहीं है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दे देना है। और लास्टली यही है जो हमेशा कहता हूँ मैं, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए एग्ज़ाम में। कोरोना का टाइम है ना, एग्ज़ाम देने से भी रोका जा सकता है अगर आपको फीवर वगैरह है ये सब, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये था इस वीडियो का अंत, होप कि आपको, आपके लिए कुछ पॉइंट्स यूज़फुल होगा। अगर आप कुछ भी गलती करते थे, अगर आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अपने, आप डाउट भी लिख सकते हो, क्यूरी भी लिख सकते हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उन सारी चीज़ों का आंसर करूँ आपको कमेंट बॉक्स में। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।